नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सत्संग जी। शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हम सब फिर एक बार धन्य हो गए हैं गुरु जी महाराज की पुस्तक जीवन और मृत्यु के स्वामी, जो कि नरेंद्र ढांड अंकल जी ने लिखी थी। इसका हिंदी के सेशंस आज हम आकाश सेठी अंकल पढ़ेंगे। सेशन की अध्यक्षता नरेंद्र ढांड अंकल जी करेंगे। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए गुरु परिवार की तरफ से आप दोनों का स्वागत करता हूं और आकाश सेठी अंकल जी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ सेशन को इनिशिएट करें, रीडिंग स्टार्ट करें प्लीज़। जय गुरु जी, ओवर टू यू आकाश सेठी अंकल। जय गुरु जी। संगत जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। गुरु जी को प्रणाम और स्वागत है नरेंद्र ढंड अंकल का, जिन्होंने मास्टर ऑफ लाइफ एंड डेथ नामक पुस्तक में अपने एक्सपीरियंसेस, अपने गुरु जी के साथ के अनुभव लिखे, जिनमें बहुत कुछ सीखने को है। और बहुत बहुत आभार सुरेश वासन अंकल का, जिन्होंने उसका अनुवाद, उसका तर्जुमा हिंदी में करवाया जीवन और मृत्यु के स्वामी के नाम से। तो मैं पठन शुरू करूं उससे पहले नरेंद्र ढंग जी को एक बारी नमस्कार फिर से करना चाहता हूं। नमस्कार। तो मैं पठन करूंगा और एक एक सेक्शन के बाद में विराम लूंगा नरेंद्र अंकल, और उसके बाद उस समय आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप थोड़ा वर्णन और करें, क्योंकि जो हुआ वो आपने वर्णित किया हुआ है और जो आपने अनुभव किया, जो आपने फील किया, जो उस समय इमोशंस आपको आई, वो आपको जबानी बतानी पड़ेंगी। जरूर। इफ यू परमिट मे स्टार्ट। पहला सेक्शन, बिरला आंटी को मुक्ति प्रदान। जिन दिनों में अहमदाबाद में था, बिरला आंटी नामक शिष्या का देहांत हो गया। अगले दिन गुरुजी ने मुझे फोन करके उनकी मृत्यु के बारे में बताया। मुझे पता लग चुका था, परंतु मैंने कुछ कहा नहीं। गुरुजी ने कहा कि बिरला आंटी को मोक्ष प्राप्त हुआ है, जो हर किसी को प्राप्त होना दुर्लभ है। बिरला आंटी ने बहुत सौभाग्यशाली रूप से इस जगत से प्रस्थान किया था। सोमवार की संध्या को वो गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट गई थी। गुरुजी अपने पलंग पर बैठे हुए थे और आंटी उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। गुरुजी ने आंटी से कहा कि वह फ़ोन करके अपने सब संबंधियों से बात कर ले। आंटी ने ऐसा ही किया। चाय प्रसाद ग्रहण करने के बाद जैसे ही आंटी जाने की आज्ञा लेने के लिए गुरुजी के चरणों में झुकी, उन्होंने अंतिम सांस ली। गुरुजी के चरणों में प्राण त्यागना अपने आप में एक बहुत बड़ा वरदान है। गुरुजी कहते थे, उनके भक्त व शिष्य अपनी कामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना लेकर प्रतिदिन उनके पास आते हैं, परंतु गुरुजी के स्वास्थ्य की चिंता किसी को भी नहीं होती। बिरला आंटी ने गुरुजी के लिए विशेष रूप से फार्म हाउस खरीदा था, जहाँ वे गुरुजी के लिए ही ऑर्गेनिक यानी जैविक सब्जियाँ उगाती थी। वे सप्ताह में दो या तीन बार इन सब्जियों की दो टोकरियां गुरुजी के लिए भिजवाती थी। वह गुरुजी के लिए ऑर्गेनिक फल भी आयातित यानी इंपोर्ट करवाती थी। अक्सर गुरुजी कहा करते थे, वे आंटी के मांगने पर उनकी समस्त पारिवारिक समस्याओं को समाप्त करने का आशीर्वाद दे सकते थे, परंतु आंटी केवल वही चाहती थी कि उनकी अंतिम श्वास गुरुजी के आशीर्वाद के साथ उनके चरणों में निकले। ये सेक्शन संपन्न हुआ नरेंद्र अंकल। तो कहते हैं ना, गुरुजी का अंकल ब्लेस करने का तरीका सबको डिफरेंट है। तो जो पुराने थे, हमेशा गुरुजी एक चीज चंगी चीज मंगिया करो, तो सब दुनिया मांगने के लिए ही आती है। मैं तो हर एक को ब्लेस करता हूँ, तो हर एक की अपनी जर्नी है यहाँ पे। तो बिरला आंटी हम लोगों ने देखा था, मैंने उनको इनफैक्ट बहुत बार यहाँ पे गुरु जी के पास आते, गुरु जी ने बहुत उन फैमिली को प्यार दिया है। तो जब उनकी डेथ हुई तो मेरे को पता तो लग गया था कि डेथ हुई है, संडे का, मंडे का दिन था। तो
कि गुरुजी के रूम में ही उनकी डेथ हुई है, और बट पूरी पिक्चर नहीं मालूम था, इतना था कि ट्यूसडे को उनका क्रिमिनेशन था। तो गुरु मैं अहमदाबाद में था, तो गुरु जी का मुझे फ़ोन आया कि नरेंद्र बिरला आंटी की डेथ हो गई है। तो गुरु जी ने पूरा इंसिडेंट सुनाया मुझे, खुद गुरु जी ने फ़ोन के ऊपर, कि लोग यहाँ मांगने के लिए आते हैं, मेरी टेंशन किसी को नहीं होती, गुरु से सब दुनिया मांगने के लिए, तो मुझे ये दे दो। कभी गुरु जी के लिए सोचा कि गुरु जी की सेहत भी ठीक रहनी चाहिए? कहते हैं लेकिन लोगों ने क्योंकि गारंटर ले लिया, ये तो भगवान है, इनको किस चीज़ की ज़रूरत है। कहते हैं जब ह्यूमन बॉडी में भगवान भी बैठा होता है ना, उसको भी हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है। तो कहते साढ़े बारे कोई नहीं सोचता। तो मैंने बिरला आंटी ने मेरे लिए फार्म हाउस रखा, वहाँ पे ऑर्गेनिक सब्जियाँ रखी, बनाई गई साफ पानी, कि मेरे गुरु को अच्छे से अच्छा खाने को मिले, उनकी सेहत ठीक रहे। कहते कौन सोचता है? कोई नहीं सोचता नरेंद्र। तो एवरी वीक कहता, वीक में दो या तीन बार टोकरियाँ भेजनी उसकी, मतलब मैंने कितनी सब्जी खानी, थोड़ी सब्जी खानी, एक चपाती खानी है, मैंने इसे थोड़ी खाना, लेकिन भाव की बात होती है, उनका क्या मेरे लिए भाव था। तो सेकंड कहते वर्ल्ड से दुनिया के कोने कोने से फ्रूट को इम्पोर्ट किया जाता था कि मेरे गुरु की, मेरा गुरु अच्छा फ्रूट खाए, उनकी सेहत ठीक रहे। कहते नरेंद्र मैंने आंटी को बहुत लालच दिया है उनको, तो आंटी तो ये ले ले, आंटी वो ले ले, मैं तू तीनों फैमिली ये ब्लेस कर देता हूँ, वो ब्लेस कर देता हूँ। तीनों लेडीज़ थी उनके घर पे, आंटी उनकी बेटी और वृंदा, तो तीनों उस समय लेडीज़। तो मैं ही से इसकी नरेंद्र जो बिरला फैमिली है ना, इनको एलिफेंटिया बीमारी है, इनकी लेग्स नीचे से बड़ी बड़ी होती हैं, पैर बहुत बड़े होते हैं। तो मैंने बोला आंटी मैं ब्लेस कर देता हूँ, परमानेंटली मैं बिरला फैमिली की ये प्रॉब्लम ख़त्म कर देता हूँ। कहते गुरु जी मुझे नहीं चाहिए। तो गुरुजी मुझे कहते हैं नरेंद्र उसकी डिमांड पता क्या थी? मेरे को हमेशा बोलते थे गुरुजी बस एक ही चीज़ का मेरे डिमांड है, जब भी मरूं आपके चरणों में मरूं, बस इतनी मेरे को, मेरे ऊपर कृपा कर दीजिएगा जब भी होगा। कहते केड़ी संगत मंग रही है, कहन नाल थोड़ी हुंदा। कहते तो कहते जिस दिन मंडे का दिन था, वो मेरे रूम में बैठी थी, मैं बेड के ऊपर बैठा था और सामने आंटी की चेयर लगवाई गई थी, पहले चाय प्रसाद जैसे नॉर्मल आती है वैसे आई। कहते जितने पैसे वाले होते हैं उतने ही फैमिली में डिस्प्यूट होते हैं, गुरुजी कहते। तो मैंने उस दिन उनकी फैमिली में जिन्होंने 10 साल से 15 साल से आपस में बात नहीं की थी, मैंने सबको फ़ोन करवाया आंटी से, आंटी इसको ही फ़ोन कर, इसको ही फ़ोन कर। फ़ोन करने के बाद सेकंड टाइम चाय का राउंड आया, तो मैंने बोला आंटी चलो जाओ, कल्याण हो गया। तो कहते जैसे ही नरेंद्र वो झुकी मेरे गोद में, तो इमिडिएटली उन्होंने सवाल छोड़ दिया। कहते नरेंद्र 6वीं आंटी है, कहते 6 संगत है जो मेरे से मोक्ष लेके गई है। कहते किसने की खट लिया या महाशिव आया हो धरती पे अवतार लेने के लिए, मैं तो मुक्ति को भी बेरों की तरह बांट के चला जाऊं, लेकिन किसी ने लिया नहीं। लोग संगत चीजें मांगने में ही बिजी रह गई, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दो। कहते किसी ने मांगा ही नहीं। तो 6 बंदों के नाम उन्होंने मुझे बताया, 3 बंदों के नाम मेरे को याद थे, एक सुखी आंटी हैं चंडीगढ़ में, उनके फादर या फादर ने उनको दिया था, और बड़ी मामी है उनके बेटे सनी को दिया था, और तीसरी, ये 3 नाम उन्होंने बताया, वो नहीं मेरे याद। तीसरे, गुरु सब कुछ कर सकता है, लेकिन लोग अगर अपनी तृष्णा छोड़ेंगे तभी गुरु से कुछ पाके जाएंगे। डिमांड नहीं छोड़नी चाहिए, गुरु से गुरु को मांग के देखो, फिर पता लगेगा गुरु क्या चीज़ है। कहते लोग तो मांगने के लिए ही आते हैं यहाँ चीज़ों से, गुरु से तो किसी को मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ डिमांड लेके आ रहे हैं, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए। कभी किसी ने गुरु को चाहने की कोशिश की? लेकिन बहुत कहते मैं सब कुछ दे सकता हूँ यार, मैं पारस हूँ, मैं मिट्टी को भी छू दूँ वो भी सोना कर सकता हूँ, लेकिन किसी ने खट्टिया किसी ने कुछ नहीं। तो इसे कर्मा वाले हुंदे ने, बहुत रेयर संगत होती है जो मेरे से मुक्ति लेके जाए। तो कहते जन्म मरण के चक्कर जो कटती, आज के बाद इनकी फैमिली में कभी भी कोई अच्छा काम होगा तो आंटी उनको हमेशा सामने नजर आए। What a beautiful, lovely message you got directly from Mukh Kamal of Guruji. Guruji ke apne mukh se aapko itna jo hai beyond janam maran prityu moksh ke related message aapko Guruji ke mukh se mila. Baat wahi hai ki jo mange thakur apne se soi soi deve. पर अगर आप मांग ही क्या कहते रहे हैं कि मेरा धंधा ठीक हो जाए, मेरी कमाई बढ़ जाए, मेरे औलाद और हो जाए, तो गुरुजी कहते हैं कि हमारे रिस्पेक्ट करते हैं, हम जो मांगता है वो दे देते हैं, देने की कैपेबिलिटी तो अनलिमिटेड है, पर वो अनलिमिटेड वाली रेंज में जाने वाले बहुत कम। बहुत जय गुरु जी। आगे बढ़ता हूँ, तर्क विसमृत करके स्नेह का
स्मरण रखो। एक हम एक बार गुरु जी के पास बैठे हुए थे तो उन्होंने बताया उनके जन्म के समय समस्त देवी और देवता स्तुति गान करते हुए आए। गुरु जी ने कहा कि जब वे मनुष्य रूप में धरती पर अवतार लेंगे तब समस्त मनुष्यों का कल्याण करेंगे, किंतु उनके समस्त शिष्यों में से 5% ही मोक्ष पाने के लिए पूर्ण रूप से अधिकारी होंगे, क्योंकि अन्य मनुष्य उनकी अलौकिकता के किंतु परंतु के तर्क में ही फंसे रहेंगे। केवल 5% जो उनके ईश्वरीय रूप को जानते और समझते हैं केवल वही मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए मेरी गुरु भक्तों से प्रार्थना है कि वे गुरु जी का से संसारिक लाभ ना मांगकर उनसे मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना करें, पूर्ण रूप से उनके प्रति समर्पित हो जाएं, किंतु परंतु के भ्रम में ना उलझ के गुरु जी के दिव्य अलौकिक प्रकाश में अपनी आत्मा को प्रफुल्लित करें। तो ये दिवाली का दिन था अंकल, मैंने ये सत्संग कभी सुना भी नहीं था। एक्चुअल दिवाली पे गुरु जी बैठे थे तो मेरे ख्याल से 25 से 30 संगत बैठी होंगे। तो गुरु जी बहुत रेयर सत्संग ही करते थे, तो ये 11 बजे के आसपास गुरु जी ने सत्संग शुरू किया। तो कहते जदों मैं अवतार लेना थी, इस धरती पे मैंने आना था। कहते ना मैं सतयुग में आता हूँ, ना मैं द्वापर में आता हूँ, ना मैं त्रेता में आता हूँ। ऋषि मुनि इतनी तपस्या करती हैं, खूहां दे विच उल्टे लटक जाते हैं तब भी मेरे दर्शन नहीं होते, क्योंकि मैं पूर्ण परमात्मा हूँ। तो कहते जब मैं इस धरती पे आने आने वाला था तो पूरे देवी देवता ऋषि मुनि इकट्ठे होके आ गए कि मालिक आप तो खुद जा रहे हो, आप तो दुनिया को तार के आ जाओगे, क्योंकि आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है मुझे क्या देना। तो गुरु जी कहते मैंने सबको हंस के बोला 99.5 में उसी पंबल पूसा भाई रखना है, 0.5 है जो कमा के लेके जाएगी। तो एक आंटी बैठे थे दिल्ली गुरु पंबल पूसा की होंगे आंटी इफेंट बट किंतु परंतु वो हम मैं उससे निकलने नहीं देता किसी को, क्योंकि मैं अगर 100 में से 99 विशेष भी पूरी कर दूं, एक विश नहीं पूरी की तो उसमें भी हम लोग बोलते हैं उसका काम हो गया, मेरा काम तो हुआ नहीं। वो इफ एंड बट आ गया, जहां इफ एंड बट आ गया गुरु वहां से कोसों दूर है, इसे 0.5 ने नरेंद्र। तो जिस दिन बिरला आंटी की डेथ हुई थी तब मुझे गुरु जी ने बोला था 0.5 ने 6 बंदे ही मुक्ति लेके गए हैं, कहने देख ला कि कट्टे किसी ने। तो इस चीज की मैं तो सब कुछ देने के लिए बैठा, लेकिन 0.5 है जो पूर्ण ट्रस्ट करके चलते हैं कि मेरा मालिक है, जो करेगा वो उसी हिसाब से सब कुछ करते हैं। तो वो तो करने के लिए बैठे हैं, वो देने के लिए बैठे हैं, लेकिन हमारी डिमांड है तो वो कम नहीं होती कभी। तो मेरे को स्टिल मेंबर ही से कि मेरे पास ताश के पत्ते लेके बैठता हूँ नरेंद्र, जब संगत मेरे पास आती है एक विश लेके, मैं ताश का एक पत्ता है विश, तो मैं उसके आगे फेंकता हूँ, वो विश पूरी होती है, उसकी डिमांड नहीं खत्म होती, मैं अगला पत्ता उसके आगे फेंक देता हूँ। वो उन्हीं चक्करों में फंसा रहता है, मेरे को ये भी मिल जाए, मेरे को ये भी मिल जाए, मेरे को ये भी मिल जाए, वो भगवान तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं करता। कहते रब तो रब नू मंगीदा हुंदा, चीजा नहीं मंगीदा हुंदिया। जिनू रब मिल गया, जिनू गुरु मिल गया, चीजें तो पीछे पीछे भागती हैं फिर, तो वो उसको पालो बहुत बड़ी चीज। क्या ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अगला सेक्शन, चमत्कारिक रूप से सचखंड प्रसाद का प्रकट होना। मेरे हृदय में यह जानने की उत्कट लालसा रहती थी कि गुरुजी किस भांति चमत्कारिक रूप से सचखंड प्रसाद प्रकट कर देते हैं। रात के लगभग 1 बजे गुरुजी ने एक छोटा सा सत्संग एक अन्य भक्त को सुनाने के लिए मुझे कहा। मेरे सुनाने के पश्चात उन्होंने जोशी अंकल को उसी भक्त के लिए एक छोटा सा सत्संग सुनाने का निर्देश दिया। जोशी अंकल के सत्संग आरम्भ करते ही गुरुजी दीवार के साथ खड़े हो गए। उनके चेहरे का रंग बदल गया था। मैंने बड़ी हैरानी से पीले रंग की चमकती हुई किरण बड़ी तीव्र गति से गुरुजी की ओर आती देखी। ऐसा प्रतीत हुआ उन्होंने बड़े अद्भुत ढंग से उस प्रकाश को आत्मसात कर लिया है और तत्क्षण वह आभा प्रसाद रूप में परिवर्तित हो गई। गुरुजी ने जोशी अंकल को हाथ जोड़ने की आज्ञा दी। उन्होंने अपने हाथ भी जोड़ लिए। कुछ मिनटों में जोशी अंकल के जुड़े हुए हाथ स्वतः ही खुल गए। हमने एक बड़ा लड्डू उनके हाथों में देखा। हमने अंकल से पूछा कि गुरुजी ने उन्हें क्या दिया है। उन्होंने कहा कि गुरुजी ने उन्हें तरल पदार्थ के रूप में एक छोटा सा बीज दिया है। इस प्रकार गुरुजी ने मेरी यह इच्छा पूर्ण कर दी कि वे किस तरह चमत्कारिक रूप से सचखंड प्रसाद ले आते हैं।
मेरे को कभी सचखंड का प्रसाद नहीं मिला, मैंने गुरुजी को बहुत बार बोला था, तो गुरुजी हंसते थे, तेरी कर्मा बिछोगा तेन जरूर मिलेगा, तो खजाना मेरा ही है, चाबी मेरे पास है, लेकिन ये पुराने अच्छे कर्मों से ही खुलता है, बिना उसके नहीं खुलता। तो फोर्सफुली मैं किसी को नहीं देता, ये नहीं है कि मैं जबरदस्ती मंगवा के किसी को दे दूँ। जब सचखंड का प्रसाद आता है वो उसी पर्सन के लिए तभी आएगा जब वो पर्सन वहाँ पहुँच चुका होगा। इसके 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, मैं आधा मिनट भी उसको होल्ड नहीं कर सकता, मेरी बहुत एनर्जी लग जाती है उसमें। तो मेरे में एक तमन्ना थी कि हाँ गुरुजी कैसे आता, कैसे है प्रसाद, तो यही देखना चाहता हूँ, नहीं देना तो उनकी मर्जी। तो रात के 11:30-12 बजे का टाइम था, तो गुरुजी वॉक पे जाने वाले थे तो मेनका आंटी के साथ था। तो गुरुजी एम्पायर स्टेट के शैंडलियर के नीचे खड़े हैं, तो मुझे बुलाया और मेनका जी को बुलाया, नरेंद्र मेनका को सत्संग सुना, शॉर्ट सत्संग सुनाई, सारे सत्संग सुने। तो मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट उनको सत्संग सुनाए। तो गुरुजी ने जोशी अंकल, जोशी सत्संग सुना, जोशी अंकल का बहुत अच्छा सत्संग मेरे को हमेशा रिमेंबर रहता है कि जितना समंदर है उसकी स्याही बना दो और जितनी लकड़ी है उसकी कलमे बना के लिखना शुरू कर दो, तब भी आप गुरु का गुणगान नहीं लिख सकते। तो वो अंकल सुना रहे हैं, तो गुरुजी जाके बिल्कुल दीवार के साथ खड़े हो गए, तो गुरुजी का टोटली इंप्रेशन चेंज होना शुरू हो गया, गुरुजी का कलर चेंज होना शुरू हो गया, कभी वाइटिश हो रहा है, कभी रेडिश हो रहा है, कभी ब्लैकिश हो रहा है। तो यानी कि 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा होंगे, उन्होंने इतने कलर चेंज कर लिए खड़े खड़े कि कुछ ना कुछ लग रहा है, अनईजी टाइप जैसे हम लोग बोलते हैं, सॉट की एक लाइट आ रही है। तो गुरुजी ने ऐसे उसको होल्ड किया और अंकल खड़े थे, नॉट जोशी अंकल, जोशी अंकल सत्संग सुना रहे थे, तो गुरुजी ने ऐसे पकड़ा और उन अंकल को दे दिया। तो गुरुजी भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, क्योंकि गुरु जी ने मुझे भी थैंक्स करना पड़ता है, खजाना मेरा ही है तो मुझे भी उस खजाने का थैंक्स करना पड़ा, देखो कितनी लकी संगत है जिसको आज सचखंड का प्रसाद मिल गया, कितने अच्छे कर्म किए हैं ऐसे। तो उनको दिया और अंकल को दिया, अंकल भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, तो धीरे धीरे उनका हाथ खुलना शुरू हो गया। तो तकरीबन 500 ग्राम या 600 ग्राम के आसपास एक मोतीचूर का लड्डू बिल्कुल लाइट कलर का उनके हाथ में बन गया। तो गुरुजी ने ऐसे हाथ साफ किया, तो इससे पहले हम लोग समझते, जोशी अंकल ने नीचे जो गिरा हुआ था इमीडिएटली उठाया और उठा के वो गए, तो हमें तो पता ही लग गया था गुरु से, देखो फ्रेगनेंस, क्योंकि तो जब सचखंड का प्रसाद प्रोड्यूस होता था तो जितनी गुरुजी में से फ्रेगनेंस होती उससे कई गुना ज़्यादा उस समय फ्रेगनेंस वहाँ पे होती। तो गुरुजी मेनकांडी को कहते देख फ्रेगनेंस ले हाथ खाँचो, तो वो फ्रेगनेंस लेते हैं। तो अब हमने अंकल से पूछा, अंकल आपके हाथ में क्या आया था, मैंने कुछ और देखा था, उसके बाद लड्डू बना, कहते एक छोटा सा मक्की का दाना होता है ना, वो मेरे हाथ में लिक्विड रूप में आया। तो मैंने लाइट देखी, उनके हाथ में मक्की का दाना आया और वो बना लड्डू, इसे सचखंड प्रसाद। तो वो मेरे मन की तमन्ना थी। तो गुरुजी कहते वो खजाना है, मैं तुम लोगों को लाइव अपने हाथ से प्रसाद दे रहा हूँ, ये तो सचखंड से भी बड़ा है, तो तुम लोगों को भी पता ही नहीं मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ। तो चाय दे दी, जैसे वो पी रहे हैं चाय मिल गई, कुछ और मिल गया, ये लाइव है, वो खजाना है, ये लाइव है, आने वाले 20-25 सालों के बाद जाके आप लोगों को पता लगेगा आप किसके साथ बैठे थे और आपको मैंने क्या ब्लेस किया है। तो वो तो हमें ब्लेस करने के लिए आए, और आज की डेट में जो नई संगत है दे आर सो ब्लेस। तो उनका हम तो दोनों में वो डिफरेंशिएट चलता रहेगा, वहाँ पे कोई नई नहीं है, कोई पुरानी नहीं है, तो यहाँ कर्मों का हिसाब है। गुरु जी ऑलवेज इतने सालों का हिसाब नहीं हैगा, एक कर्म का हिसाब, जितने अच्छे कर्म करोगे उतना ही भगवान आपको उतनी जल्दी। आप की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कि नई संगत कहती आप लोग बहुत लकी हो, हमारे मुंह से अनायास ही निकलता है आप लोग बहुत लकी हो, क्योंकि ह्यूमन माइंड जो इतना घटिया है, इंसानी सोच इतनी घटिया है कि सामने है जो उसे लोग बुरा कहते हैं, जिसको देखा नहीं उसी को खुदा कहते हैं। तो हमारे सामने तो ये दुविधा, ये किंतु परंतु जो है एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर था ही सही, हमेशा कभी ये नहीं सोच पाए कि महाशिव सामने हमारे प्रकट रूप में है। और महाशिव ने भी अपनी माया ऐसी बना के रखी कि किसी को पहचान होने नहीं पाई, कोई भी निश्चित रूप से कह नहीं पाया, कभी गुरु जी, कभी शिव जी, कभी भगवान और कभी महापुरुष, और गुरु जी ने स्वयं को कभी महापुरुष से अधिक कुछ कहा ही नहीं, कहा ही नहीं, बिल्कुल सही। आगे बढ़ता हूँ, गुरु जी के द्वारा अक्षय के जन्मदिन पर आशीर्वाद। गुरु जी का अपने भक्तों के प्रति निस्वार्थ स्नेह कई विशेष रूपों से लक्षित होता है। गुरु जी ने 2 या 3 बार स्वयं अक्षय का जन्मदिन मनाया। सन 2006 में 10 नवंबर को अक्षय के जन्मदिन के अगले दिन
हम गुरुजी से मिलने एम्पायर एस्टेट गए। गुरुजी अपने आसन पर बैठे चाय पी रहे थे। गुरुजी की आज्ञा अनुसार वहां आए भक्तों को मैं सत्संग सुनाने लगा। उसी समय गुरुजी ने सुधा आंटी से अक्षय को दूसरी मंजिल से बुलाने के लिए कहा। अक्षय के आने पर गुरुजी ने उसे अपने आशीर्वाद युक्त दो टुकड़े बर्फी के उसके हाथ पर रखे। गुरुजी ने अक्षय को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। किसी भी भक्त के लिए जन्मदिन पर गुरुजी द्वारा शुभकामना और आशीर्वाद से बढ़कर और कोई भेंट नहीं हो सकती। तो 4-5 वर्ष उन्होंने सेलिब्रेशन किया, एक वो बड़े मंदिर में छोटा सा पेस्ती भेजी और बाकी चीज़ें भेजी कृष्णा दीदी को, बाकी सबको। तो 2006 में तो जब गुरुजी बैठे थे एम्पायर से डेस्क के ऊपर बैठे थे और चाय ले रहे थे, 7-7:15 का टाइम होगा, तो चाय थी और बर्फी खा रहे थे, वो ब्राउन वाली बर्फी उनको बहुत पसंद होती थी, वो खा रहे थे। तो सुधांत, मैं चाहता सत्संग सुना रहा था सामने, तो गुरु जी से सुधांती सुधा को बुला, सुधा वो अक्षय को बुला। अब उनको अक्षय नहीं पता कौन है, क्योंकि संगत इतनी, आंटी को भी इतने नाम नहीं पता होते थे, लिमिटेड थोड़े से पता होते थे। तो वो नरेंद्र दा मुंडा ना, उन्होंने बुला, उसका जन्मदिन है। तो जैसे ही गुरु जी ने आधा जो पीस खा रहे थे वो खाया हुआ, और दो अपनी कटोरी में से दो पीस उठाए, तो दोनों 2.5 पीस उसको दिया, फट जन्मदिन दिया, बहुत मुबारक का। तो वही बैठ के वो खाने लगा, ही से बाहर जाके खा के, यार ये तेरे जन्मदिन दिया, हॉट ब्लेसिंग है। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो सकती। तो अब कहते हैं ना, मालिक तो आज की डेट में बैठा है, लेकिन वो होता है कि हाँ आपको एक प्रसाद मिल गया उनके हाथ से, तो बहुत बड़ा, वो भी वो जो खुद खा रहे हैं, कहते हैं भगवान खुद भोग लगा रहा है और वही भोग का प्रसाद आपको दे दिया। तो मेरे बेटे के लिए बहुत 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 धन्य है उसका पूरा जन्म, धन्य हो गया। गुरुजी सर्व ज्ञाता है। हमारे कुछ कहने या बताने से पहले ही गुरुजी हमारे मन की बात जान जाते हैं कि हमारे मन में क्या है। जालंधर मंदिर में भगवान शिव का बहुत ही सुंदर चित्र लगा हुआ था। मुझे वह चित्र बहुत पसंद था। कई दुकानों पर खोजने के पर भी मुझे वैसा चित्र नहीं मिला था। एक रात्रि जालंधर मंदिर में सेवा के पश्चात हम लुधियाना के लिए रवाना हुए। गुरुजी ने फोन करके मुझे कहा कि अगली सुबह आकर भगवान शिव का चित्र ले जाऊं। उन्होंने परिहास करते हुए यह भी कहा कि सुबह 9:30 बजे तक ही चित्र की रक्षा करेंगे। यदि किसी अन्य भक्त ने ले लिया तो वे कुछ नहीं कर पाएंगे। अगली सुबह मैं जालंधर भागा। गुरुजी द्वारा आशीर्वाद और भेंट स्वरूप शिवजी का चित्र पाकर मेरी प्रसन्नता का कोई और छोर न था। तो जालंधर मंदिर में लगी थी, बहुत अच्छी पिक्चर थी वो, तो बहुत स्वरूप अच्छा लगा, और बहुत पुराना लगा हुआ था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो अब मैंने फील्ड मार्केट से बहुत ढूंढने की कोशिश, इससे पैरेलल कोई मिल जाए, बस इसे पोर्ट्रेट वो बना हुआ था, बनाया हुआ था जिसने, एक पोर्ट्रेट बनाई हुई थी, तो बहुत नहीं मिला। तो मन में होता, गुरु जी कहते हैं ना, आपके मन की हर एक बात जानते हैं। गुरु जी हंसते थे, आप लोग सोचते हो कि गुरु को कुछ नहीं पता, कहते गुरु सुपर कंप्यूटर है, पूरी दुनिया का मेरे सामने पूरा लाइव चलता है, कौन अच्छा करता है कौन बुरा करता है, यहाँ कोई चीज़ छुपती नहीं है। तो ठीक है, तो एक दिन रात को हम लोग वाइंड अप करके 11:30-12 जलंधर मंदिर लंगर के बाद साफ सफाई करके दियाना के लिए निकले, तो 12:30-1 पहुँचा, तो 1:30 बजे के आसपास गुरु जी का फोन, अभी सोया ही था मैं, तो जैसे ही मैं लेटा तो गुरु जी का फोन आया। तो मैं कहा हाँ नरेंद्र, सो गया, तो रात को 1:30 बजे आप पहुँचे हो, तो आप, मैं कहा नहीं नहीं गुरु जी, बस लेटे नहीं लगा था, तेरे लिए शिव जी की मूर्ति फोटो काट के ला के रखती मैंने, जो तुझे बहुत पसंद है, कल सुबह लेके जाना, 9:30 तक की मेरी गारंटी है, उसके बाद की मेरी कोई गारंटी नहीं है कोई और, क्योंकि तो यहाँ तो गुरु का दरबार है, लूटने के लिए दुनिया बैठी है, जो मिल जाए वो मिल जाए, वो गुरु के मंदिर से कोई चीज मिल रही है। तो मैं फिर 9:30 बजे गया, तो गुरु जी ने कहा, तो फिर उसके बाद गुरु जी ने जहाँ पे वो लगाया था फिश पॉन्ड के ऊपर लगा हुआ था, इसे आंटी करते, इन आंटी ये आंटी वो करेंगे खर्चा करेंगे, तूने ये चीज़ बनानी है। तो मैंने कहा गुरु जी क्या लिखना है, ओम लिखना है, एक ओंकार बनाना है, ओम नमः शिवाय लिखना है, कहते ना ना, ओम नमः शिवाय शिव ही सदा सहाय, शिव जी सदा सहाय, और एक आगे त्रिशूल बना देना। तो मैं कहा ठीक है गुरु जी, तो कहते मीनिंग पता तेनू की है नरेंद्र, मैं कह नहीं गुरु, ये शिव का मूल मंत्र है, ओम नमः शिवाय, कहते शिव एक वो देवता है जो सबके लिए इक्वल है, चाहे वो अच्छा इंसान है चाहे बुरा इंसान है, चाहे वो ह्यूमन है चाहे वो डेविल है,
सबके लिए इक्वल है, वो सबको देता है, वो कभी अपने आप को रोक नहीं सकता, वो हर वक्त आपके सुख और दुख में खड़ा होता है, लेकिन हम उसको फील नहीं कर सकते, हम उसको दुख में फील करते हैं जबकि सुख में भी आपके साथ खड़े होते हैं। तो ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, कहना मतलब पता कि ओम नमः शिवाय शिव ही सदा सहाय, नॉट जी, शिव ही सदा सहाय। तो कहते क्यों, ये शिव आपके साथ हर वक्त खड़ा है, उसको फील करके देखो कि वो मेरे साथ है। तो कहते ये शिव का मूल मंत्र है, कहते ना सी लिता ना सी किसम दिता, तो उन्होंने तो कभी किसी को दिया नहीं उस चीज के, लेकिन हाँ उन्होंने बोला ये शिव का बीज मंत्र है, वो खुद ही महाशिव है, तो उन्होंने सबके लिए इक्वल, बाकी उन्होंने हमेशा बोला जिसका जो मन करता है वो करो, राम राम करो, वाहेगुरु करो, अल्लाह अल्लाह करो, जिसका जो मन करता है वो, लेकिन एक नाव पे पैर रखना सीखो, दो किश्तियों पे कभी पैर नहीं रखना चाहिए। आप मेरे पास आ रहे हो, जिस मर्जी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जहां मर्जी जाके फील करो, मैं तुम्हें वहां पे भी दर्शन दूंगा, और वो देते थे इसे फील, यही गुरु का प्यार है। हमारे समक्ष एक छोटा सा वाकया हुआ कि एक भक्त ने पहली दूसरी दफे आए थे, तो आके ना छुट्टी के समय कहते गुरु जी एक बात करनी है, हम लोग ना साईं बाबा को मानते हैं, आप बुरा तो नहीं मानोगे? गुरु जी का तो एक ही रिप्लाई था कि कमलिया जोत तो एक ही है, मननी चलो मैनू की फर्क पैंद। अब हर एक की एक्सेप्टेंस है, वो जो सुप्रीम है वही सबको एक्सेप्ट करके भी अपने स्थान पे बना रह सकता है, इतनी अकल हमें आनी चाहिए थी, नहीं आई, फिर महाशिव की माया है। आगे बढ़ो। गुरुजी दर्शन एवं आशीर्वाद, मेरे अहमदाबाद प्रवास के दौरान गुरुजी जलंधर मंदिर के जलंधर मंदिर के कालीन बदलवाए, उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि मैं जालंधर आकर भक्तों में पुराने कालीन बंटवा दूं। गुरुजी मुझे जल्द से जल्द आने के लिए फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे थे, मेरे लिए तुरंत जालंधर आना आसान नहीं था। जब मैंने उनसे वापस लौटने की आज्ञा मांगी तब उन्होंने पूछा कि मैं फिर कब आऊँगा, मैंने उन्हें बताया कि मई 2007 के मध्य दिल्ली में एक मीटिंग है, तब उनके आशीर्वाद और दर्शन हेतु आऊँगा, परंतु मीटिंग स्थगित हो जाने के कारण मैं उनसे मिलने ना जा सका। गुरुजी ने मुझे फ़ोन किया और कहा आज गुरु तुझे बुला रहा है और तेरे पास टाइम नहीं है, कल तेरे पास टाइम होगा पर पता नहीं कहाँ हो, मैं पता नहीं कहाँ होऊंगा। उनके कहने का भावार्थ था कि अभी तो वे स्वयं मुझे बुला रहे हैं परंतु मेरे पास समय नहीं है, अगली बार यदि मेरे पास गुरुजी को मिलने का समय होगा तो वे शायद कहाँ कहीं और होंगे। उन्होंने मुझे चेतावनी देते हुए कहा कि जिस तरह हम रेत को मुट्ठी में पकड़ना चाहते हैं परंतु वह फिसल जाती है, उसी प्रकार वे भी संसार से अदृश्य होकर किसी को दिखाई नहीं देंगे। 16 मई 2007 से मेरा स्वास्थ्य खराब होने लगा, मुझे केवल 2 या 3 घंटे ही नींद आती थी, मुझे बेचैनी और घबराहट सी रहने लगी। यह सब मेरी भविष्य में होने वाली स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी थी। गुरुजी के दर्शन के लिए 27 मई को मैं दिल्ली गया। गुरुजी ने पूछा कि काम में इतना व्यस्त होने पर भी मैं उनसे मिलने दिल्ली कैसे आ गया, मैंने अपनी सारी परेशानी उन्हें बताई। गुरुजी ने कहा ये अच्छा हुआ कि मैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने आया हूँ। उनके ऐसा कहने का तात्पर्य मैं समझ नहीं पाया। लंगर प्रसाद ग्रहण करने के बाद मैंने उनसे जाने की आज्ञा मांगी, उन्होंने मुझे प्रतीक्षा करने के लिए कहा। गुरुजी अपना लंगर ग्रहण करने के बाद आए, अपने आसन पर बैठकर उन्होंने कई सत्संग सुनाए। उन्होंने कहा दिल्ली श्रापित है, इसलिए कोई भी महापुरुष यहाँ अधिक समय तक नहीं रह सकता। उन्होंने श्रवण कुमार की कथा सुनाई, श्रवण कुमार अपने नेत्रहीन माता पिता को पालकी में बिठाकर तीर्थ यात्रा करा रहा था। दिल्ली पहुंचने पर उसने यह कहा कि उसे कोई लाभ नहीं हो रहा है और पालकी भूमि पर रखती। उसकी माता ने पालकी दिल्ली से बाहर ले जाने की उससे प्रार्थना की। दिल्ली से बाहर आने पर उसे अपनी भूल का अनुभव हुआ। दिल्ली में लालच, लोभ, ईर्ष्या, क्रोध और खून खराबे की पराकाष्ठा है। प्राचीन काल में
ऋषियों मुनियों ने दिल्ली को श्राप दिया था कि कोई भी महापुरुष दिल्ली में ज्यादा देर नहीं रह पाएगा। गुरुजी द्वारा नश्वर शरीर त्यागने पर ही लोगों को ज्ञात होगा कि भगवान शिव उनका भला करने आए थे, परंतु लोग अपनी मूर्खता और संकीर्णता के कारण उनको पहचान नहीं पाए। लोग उनसे केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते थे। कुछ दिनों पश्चात ही गुरुजी महासमाधि में लीन हो गए। तब मुझे पता चला कि गुरुजी मुझे बार बार आशीर्वाद के लिए क्यों बुला रहे थे। तो ये तो एक थोड़ी सी डिफरेंट टॉपिक था, तो नहीं पता था बिल्कुल भी ये चीज़ के बारे में। तो अप्रैल में गुरुजी ने चेंज करवाया था, कारपेट चेंज कराना शुरू किया, तो उन्होंने पुराने वाला कारपेट उतार के जलंधर मंदिर के बाहर पड़ा था। तो वो मुझे बार बार फ़ोन करते थे जाके इसको ना डिस्ट्रीब्यूट करके आना। तो मैंने कहा गुरु जी मेरा आना मुश्किल है क्योंकि मुझे लुधियाना भी जाने का हुक्म नहीं होता था। तो मैंने बोला मेरी वाइफ चली जाती है, अक्षय चला जाता है या कोई और जाके उसको बांध, नहीं तू आएगा तू ही बांटेगा। तो 4 मई 2007 को मैं गुरुजी के पास आया, बहुत सारी बातें हुई। तो मैंने गुरुजी को बोला कहते की प्रोग्राम, तो थर्सडे का दिन था, मैं कहा गुरुजी मुझे ना वो जलंधर जाना है कारपेट वो डिस्ट्रीब्यूट करने, जो आपने, हाँ भाई तेरे पास गुरु वाले का टाइम नहीं हैगा। मैं कहा ये गुरु ये मंदिर भी आपका है, वो मंदिर भी आपका है, जहाँ आप बोलोगे मैं तो वहाँ चला जाऊँगा। नहीं नहीं वो बांट गया, बहुत ज़रूरी है। तो जिस जिसको गुरुजी ने बोला डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो उनको कारपेट चेंज किया। तो गुरुजी जब मैं जाने लगा 4 मई, तो गुरुजी कहते नरेंद्र हूँ अगला प्रोग्राम चक्कर कदम लगना। मेरी नॉर्मली एक मीटिंग होती थी मिड में, तो मैं कहा गुरुजी 15-16 मई के आसपास मीटिंग है तो मैं आऊँगा, मिल के जाएँ फिर, तो अगर ऑफ डे होगा तब भी माथा टेक के जाना। मैं कहा ठीक है। तो 15 को मीटिंग हुई, 16 को भी मीटिंग नहीं हुई, तो 16 मई को उनका फ़ोन आया। तो मैं गुरु जी परिवार तू आया ही नहीं, तो मैं कहा गुरु जी ऐसे से मीटिंग नहीं हुई। तो हाँ भाई हूँ तो बड़ा मैनेजर बन गया, तेरे पास गुरुओं के लिए टाइम नहीं है। मैं कहा नहीं गुरु जी ऐसी बात नहीं है, तू मीटिंग रख लिया कर। मैं कहा गुरु जी मैं गुजरात में रख सकता हूँ, राजस्थान में रख सकता हूँ, MP में रख सकता हूँ, बट मैं दिल्ली में नहीं रखता, दिल्ली मेरी एरिया नहीं है। नहीं नहीं तू अब बॉस हूँ क्या मैं दिल्ली मीटिंग रखी। मैं गुरु जी मैं नहीं रख सकता हूँ। तो कहते नरेंद्र आज तुझे गुरु बुला रहा है, तेरे पास टाइम नहीं है, कल तेरे पास टाइम होगा, असी पता नहीं कितने बैठे होंगे। मैं कहा हैं जी गुरु जी। तो गुरु जी फिर यही वर्ड रिपीट किया, मैं कहा हैं जी गुरु जी। कहते यार मैंने ना संगत बंद करके मैं लंदन चला जाऊँगा, मैं USA चला जाऊँगा, मैं कनेडा चला जाऊँगा। उन्होंने थोड़ी बात को घुमा दिया। तो फिर वो थोड़ा टाइम बैठ, एक मिनट उनका मोबाइल साइलेंट रहा, कभी इतनी होल्ड नहीं करते थे वो, एक बिल्कुल सांस की आवाज़ आ रही है। तो वहीं से कमल यार तेरे गुरु ने आए चले जाना, जिम्मे हत्थों के बीच रेत जाती होंगी, पता नहीं लगना सी कदों जाना। तो मैं कहा हैं जी गुरु जी। हाँ फिर उन्होंने बात हुई, नहीं नहीं मैंने संगत बंद कर दी, मैं दुबरी जाके बैठ जाऊँगा, मैं मिलूंगा ही नहीं किसी को, ये है वो है, तो चुप कर गया। उसके बाद चले, उसके बाद मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो गई कि रात को नींद आनी मुश्किल हो गई। कहते ना तूफान से पहले की शांति थी, कुछ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। बट आज मैं रियलाइज कर रहा हूँ चीज़ों को कि उस 16 तारीख के बाद गुरु जी ने मुझे कभी फ़ोन ही नहीं किया। नॉर्मली मेरे दिन के 5-6 तारीख तक मेरा विजिट होता था, तो 5-6 से लेके 28-29 तक मेरे से डेली ऑलमोस्ट बात होती, चाहे 1 मिनट बात हो चाहे 5 मिनट, कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन बात ना हो। तो गुरुजी आशीर्वाद देने के लिए फ़ोन करते रहते थे, कुछ ना कुछ सब लोगों के संगत के साथ संग सुनाते रहते थे। तो उस दिन बिल्कुल भी आया नहीं, तो बहुत तबीयत बिगड़ गई। तो मैंने इतना था कि नींद नहीं आ रही, हार्ट की प्रॉब्लम लग रही है, तो डॉक्टर को दिखाया, वहाँ पे कुछ नहीं। मैंने इनफैक्ट अहमदाबाद में किसी को केमिस्ट को कहा मुझे एक नींद की गोली दे दो, मैं सोना चाहता हूँ, मेरा दिमाग फट जाएगा, तो ऑफिस का काम भी करना है आपको और नींद नहीं आ रही है, तो बड़ा मुश्किल होता था। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं दे सकते। फाइनली जो मेरे साथ था वो भी लड़का गुरुजी को मानता था, उन्होंने बोला आप एक काम करो सर, गुरुजी के पास चले जाए, माथा टेक के आ जाओ, आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए। मुझे लास्ट डेटों पर ट्रैवलिंग अलाउड नहीं थी क्योंकि तो मेरा रोल ऐसा था, मैं पहले ही 20 तारीख तक लास्ट ट्रैवलिंग करता था। मैंने अपने बॉस को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे करे, हाँ एक काम कर तू भाया भोपाल का प्लान बना ले, भोपाल लोकेशन चला जा, वहाँ से दिल्ली है ना, दिल्ली से वापसी। तो मैं 26 को उस दिन लेट हो गया, तो 27 तारीख को फिर मैं मंडे था लास्ट, संडे था लास्ट, मैं गुरुजी के पास पहुँचा, क्यू में लगा हुआ था। तो जैसे ही नरेंद्र तू के में आ गया, तू तो आता नहीं है, तेरी तो क्लोजिंग होती है, मंथ एंड होता है तेरा, मेरा फाइनेंशियल सेक्टर में है तो एवरी मंथ मेरा क्लोजिंग होती है, इसे तेरी तो क्लोजिंग होती है, तू कैसे आ गया। मैं कहा गुरुजी बहुत मन उदास था आपका, माथा टेकने को मन, मिलने को मन हो रहा था, बढ़िया किता मत्था टेक लिया तू भी।
तो अब उन्होंने कहाँ तक बोल दिया हमें नहीं पता लगा, वो क्या बोल रहे। तो मैंने अपना लंगर किया, क्योंकि मेरी सुबह 6 बजे की फ़्लाइट थी, मैंने जल्दी जल्दी लंगर किया। फर्स्ट राउंड में पहली बार लंगर किया था फर्स्ट राउंड में, द सेकंड टाइम। तो जैसे मैं क्यू में लगा माथा टेक के जाने के लिए, इजाज़त लेने के लिए, से ऐसी चेले चाहिए ने, गुरु भुखा बैठा है और चेला लंगर खा के चले आ। तो मैं कहा नहीं नहीं गुरु जी, ऐसी बात नहीं है, मैं गुरु जी मेरी फ़्लाइट है, बैठ असी लंगर करांगे फिर जाएंगे। तो गुरु जी अराउंड 10:30 के आसपास गुरु जी लंगर करने के लिए गए और 11 बजे गुरु जी बाहर आए। तो मैं फिर क्यू में जाके लग गया, बैठ बैठ गल करनी है तेरे नाल, तो पीछे बैठा। मैं कहा ठीक है देखा जाएगा जो होगा, मेरा सीरियस रोड के ऊपर ही गुड़गांव में गेस्ट हाउस था। तो फिर बैठा, फिर चाय प्रसाद आई, फिर वो मैंने फिर इजाज़त मांगी। तो 12:15 हो चुके थे, गुरुजी ने फिर भी वो नहीं दिया, इसे थी बैठ तेरे से बात करनी है। तो हलवा प्रसाद आ गया, देन गुरुजी ने सत्संग शुरू किया। बिट्टा बैठा था पंजाब वाला, उसने छोटी सी कोई बात छेड़ी थी तो पॉलिटिक्स को लेके, तो गुरुजी ने बोला सारे मेरे लिए इक्वल है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बाकी पार्टी, सारे लिए मेरे लिए इक्वल है। गुरुओं को इस चीज़ों में डिवाइड नहीं करते पॉलिटिक्स में। तो इसे दिल्ली के लोगों को पता ही नहीं गुरु की चीज़ होंगी, साढ़े जान तो बाद लोग कहना टक्करा माराया करेंगे, महाशिव आया था और हमने इनकी वैल्यू नहीं की, कहते लोग चीज़ा मंगन के बिच ही बिजी रह गए। तो श्रवण कुमार का फिर उन्होंने सत्संग सुनाया था, उस दिन बहुत सत्संग सुनाए थे गुरुजी, तकरीबन 25 से 30 मिनट गुरुजी ने सत्संग, मैंने कभी तक गुरुजी को संगत के बीच में इतना सत्संग करते मैंने कभी नहीं देखा। तो श्रवण कुमार की ये दिल्ली की धरती है ना, इसको पहले इंद्रप्रस्थ बोलते थे, ये शापित धरती है, राम ये सतयुग से पहले की शापी धरती है, यहाँ बहुत ऋषि मुनियों को कुर्बानियाँ दी गई हैं, यानी कि बहुत खून बहा हुआ ऋषि मुनि को, तो यहाँ पे श्रापित धरती है ये, इस पर कोई भी महापुरुष आके नहीं रह सकता। मैं ही हूँ जो अपने दम के ऊपर यहाँ 10 साल टिक गया हूँ, ना सब तो पहला कोई टिक गया, ना मेरे आज के बाद कोई टिकेगा। जो भी यहाँ महापुरुष आता है ना, उसको कुर्बानी देनी पड़ती है, अपनी फैमिलियों की कुर्बानी देनी पड़ती है या खुद की कुर्बानी देनी पड़ती है, जो पूर्ण गुरु होगा। बाकी तो कहते सब टिक सकते हैं, पूर्ण गुरु यहाँ पे नहीं टिक सकता कोई, तो अपने दम पे। कहते यहाँ पे वाइट ब्लड है गुरु जी, कहते यहाँ कोई रिश्ते नहीं है, वाइट ब्लड है यहाँ पे, कौन किस वक्त फ्लिप मार जाएगा किसी को कुछ नहीं पता। तो अभी इनको पता ही नहीं कि यहाँ पे भगवान भी रखते गए, आने वाला टाइम देखना, यहाँ लंबिया लंबिया लाइना लग जानी है, फिर पता लगना है रब इतने आया। तो आज हम नई संगत की बात करते हैं, बाकी बात करते हम भी, आपने बिल्कुल सही बोला, एज ए गुरु, एज ए भगवान तो बहुत पता पॉइंट वाला हम लोग बोलते थे कि वो भगवान है, उन्होंने दिखाया सब कुछ था, लेकिन हाँ ये तो गुरु हैं, वो गुरु हैं जो इतने अच्छे गुरु हैं, जो आपको इतना प्यार दे रहे हैं। तो हमेशा वो कई बार बोल देते थे, कहते देख रब भी इतना प्यार देता होंगा, भगवान को अपनी फैमिली का पार्ट समझ के देखो, तब आप भगवान को फील कर सकते हो, अदरवाइज आप भगवान को फील ही नहीं कर सकते। सानू अपनी फैमिली का पार्ट समझ, मैं हर वक्त तेरे साथ बैठा, चलते फिरते ये सोचो मेरे घर पे गुरु बैठा है, जस्ट लाइक ए ग्रैंड फादर जैसे बैठे, मेरे को हर एक तरह का प्यार दिया, एज ए ग्रैंड फादर, एज ए फादर, एज ए गुड फ्रेंड, एज ए बड़ा भाई, एज ए छोटा भाई, एज ए गुरु तो वो हैं ही थे, भगवान तो थे। तो जिसकी सोचा नहीं था उतना उन्होंने प्यार दे दिया। तो आज उसी प्यार के सहारे हम लोग चलते हैं, आज सत्संग करते हैं। तो जैसे जैसे नरेंद्र अंकल ये प्रकरण पढ़ते जाता हूँ, और हमने सौभाग्यवश वो वक्त, वो क्या कहते हैं, माहौल देखा हुआ है, तो इंसानी सोच है, एक मन में कभी भाव आते हैं, कभी ईर्ष्या आती है कि भाई नरेंद्र अंकल के साथ इतने अच्छे। आपने अगले सेक्शन के अंदर बता दिया कि किसी को किसी से ईर्ष्या करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो अगला पढ़ूंगा कि अपने अहंकार को नष्ट करो, वो सेक्शन मैंने पढ़ा, मेरा हृदय ऐसे हो गया कि ईर्ष्या करना तेरी मूर्खता है, अगर तू उससे ईर्ष्या कर रहा है जिसने गुरुजी से ज़्यादा बातें की है, जिसको गुरुजी ने ज़्यादा दफ़े बुलाया या दूर दूर से भी बुला के क्या कहते हैं उससे वार्तालाप किया, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो नई संगत के लिए बहुत शुभ संदेश है कि किसी से बराबरी मत करो, ना पुरानी से करो ना नई से करो, अपना कनेक्शन जोड़ो, और अपना कनेक्शन जोड़ने के बाद मन में विश्वास रखो कि गुरुजी के लिए सब बराबर, श्रद्धा इकलौता वो पास है जो आपको गुरुजी के पास तक ले जाएगा। बिल्कुल, मैं अंकल इससे एक छोटा सा कनेक्ट करता हूँ नई संगत को लेके। तो फरवरी 2007 की बात थी, तो गुरुजी ने मुझे फ़ोन किया अहमदाबाद में,
नरेंद्र नई संगत आने वाली है बहुत सारी, तो आप गुरु जी फरवरी में बता रहे हैं, उस समय नई संगत का दिमाग में भी नहीं होता था कौन सी संगत आनी, इसे नई संगत बहुत आने वाली है। तो इसे जो पुरानी संगत है ना, पके हुए बेरों की तरह 90% नीचे गिरेगी। क्यों? कहीं ना कहीं मैं फंसा होगा, मैंने गुरु जी ने मुझे अपने हाथ से प्रसाद दिया, मैं गुरु जी के साथ बैठा, उनके चरणों की सेवा की, वो उनमें रहेगा। 10% वो होंगे जो हमेशा जुड़े रहेंगे, उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा है, हम नहीं जुड़े, उन्होंने जोड़ा है, तो 10% है। कहते नमी संगत आने वाली है नरेंद्र, वो संगत आने वाली है जो श्वास श्वास तेरे गुरु का नाम जपती होगी। तुम लोगों ने मुझे गुरु रूप में पूजा है और वो मुझे भगवान रूप में पूजा भगवान। कहते लेकिन दोनों में डिफरेंशिएट रहेगा। कहते जो पुरानी संगत है ना, वो नई संगत को मैं इतना ब्लेस करूंगा, उनको उनसे जलसी होगी। देखो हमें तो इतने साल निकले, गुरुजी हमें इतना कुछ नहीं देते थे, आज नई संगत पहली बार आ रही है और गुरुजी उनको सब कुछ दे रहे हैं। पुरानी नई संगत बोलेगी, पुरानी संगत बहुत लकी है, उन्होंने गुरुजी को ह्यूमन बॉडी में देखा है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे। कहते लेकिन नई संगत लकी है, लेकिन पुरानी संगत बहुत लकी है, उन्होंने मुझे ह्यूमन बॉडी में देख लिया। भगवान को ह्यूमन बॉडी में देखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसे 80 ह्यूमन बॉडी लेनी पड़ती है नरेंद्र, 80 ह्यूमन जन्म लेने पड़ते हैं। मतलब एक जूनी लेने के लिए ना इंसान की 84 लैक्स जूनी से निकल के आना पड़ते हैं। 80 मिनिमम ह्यूमन बॉडी इज द मिनिमम क्राइटेरिया टू टच माई बॉडी। कहें दे सोच तुम तुसी लोग कितने लकी हो जो मेरे साथ बैठे। लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह पे लकी हैं और दोनों ही इक्वल, दोनों में कोई डिफरेंशिएट नहीं। हाँ तुम लग पुरानी संगत इसे लग के, उन्होंने मुझे मेरी बॉडी के साथ, मेरे साथ ह्यूमन बॉडी के साथ बैठ के मेरे दर्शन, तो दोनों ही इक्वल, तो दोनों ही पैरेलल हैं। तो किसी बिल्कुल से किसी से ईर्ष्या नहीं है, सबके अपने अपने कर्म है। इसे यहाँ सालों का हिसाब नहीं है, यहाँ कर्मों का हिसाब चल रहा है। नरेंद्र अंकल ये कोई मोहब्बत तो है नहीं कि जिसमें रकीब बुरा लगता है, ये तो इबादत है जिसमें रकीब से भी प्यार होता है, कि दूसरी संगत है उससे भी मुझे मोहब्बत है, अपने आराध्य से तो मोहब्बत है इनसे मोहब्बत है। अगला सेक्शन पढ़ता हूँ, अपने अहंकार को नष्ट करो। गुरु जी के अत्यंत समीप होने के कारण कई भक्तों के हृदय में अहंकार पनपने लगता था, उन्हें प्रतीत होता था कि वे गुरु जी और उनके दिखाए मार्ग को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इस झूठे अहंकार को गुरु जी पल भर में ही नष्ट कर सकते हैं। एक रात एक भक्त आंटी गुरु जी से मिलने आई। गुरु जी ने अपने आसन के पास वाली कुर्सी पर उन्हें बिठाया। गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनाने के लिए कहा। मैंने गुरु जी के आज्ञा का पालन किया। मैंने आंटी को बताया कि गुरु जी सम फोन इज रिंगिंग, कैन वी पुट इट ऑन साइलेंट प्लीज। मेरा भी नहीं, पता नहीं किसका फोन है। मैं सेक्शन दोबारा से पढ़ता हूँ, अपने अहंकार को नष्ट करो। गुरुजी के अत्यंत समीप होने के कारण कई भक्तों के हृदय में अहंकार पनपने लगता था, उन्हें प्रतीत होता था कि वे गुरुजी और उनके दिखाए मार्ग को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इस झूठे अहंकार को गुरुजी पल में ही नष्ट कर सकते हैं। एक रात एक भक्त आंटी गुरुजी से मिलने आई। गुरुजी ने अपने आसन के पास वाली कुर्सी पर उन्हें बिठाया। गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाने के लिए कहा। मैंने गुरुजी की आज्ञा का पालन किया। मैंने आंटी को बताया कि गुरुजी ने कभी मेरा नाम नहीं पूछा, कभी ये भी नहीं पूछा कि मैं कहाँ से आया हूँ, परंतु मुझे क्या चाहिए इस बारे में उन्हें सब विदित होता है। शायद मुझे अभिमान हो रहा था। आंटी ने बताया कि वह लगभग 2 साल बाद गुरुजी के दर्शन के लिए आई हैं। गुरुजी को सब याद था और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। उस समय मुझे उपदेश देते हुए गुरुजी ने कहा कि आशीर्वाद देने का संबंध इस बात से नहीं है कि कौन कितनी देर के पश्चात आया है, अपितु आशीर्वाद का संबंध व्यक्ति के कर्मों और उसकी त्याग और तपस्या पर निर्भर करता है। मेरे पास बैठी आंटी पर उनकी बहुत कृपा है। उसके पति अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार IAS अधिकारी हैं। गुरुजी ने बताया वे उन अंकल के साथ साइकिल की सवारी करते हैं। वे बहुत विनम्र और ईमानदार व्यक्ति हैं। स्वयं को गुरुजी के इतना घनिष्ठ समझने के कारण ये सब बातें सुनकर मैं लज्जित हो गया।
मुझे ज्ञात हो गया कि गुरु जी की दृष्टि में सब भक्त एक समान। बिल्कुल सही है, वो ये सालों का हिसाब नहीं है अंकल। तो मेरे 4.5 साल या 5 साल ऐसे थे, तो जब गुरुजी ने मुझे कभी नाम तक भी नहीं पूछा था, तू कौन है, कहाँ से आ रहा है, बट मेरे सारे काम किए थे। तो मैं ये सत्संग हमेशा फर्स्ट और सेकंड मेरा सत्संग यही होता था। तो उस दिन रात को 11:30 गुरु जी अपने रूम से लंगर करके, और 11:30 11:30 के आसपास का टाइम होगा, गुरु जी आसन पे आकर ट्राउजर पहनी हुई, टी शर्ट पहनी हुई है, सीट पे बैठ गए, और आंटी पहले दूर बैठे थे, तो उनके लिए चेयर मंगवाई गई, गुरु जी के चेयर आसन के बिल्कुल पास लगवाई गई। तो मैं बिल्कुल लास्ट में म्यूजिक रूम के पास बैठा, म्यूजिक सिस्टम के पास बैठा था। तो गुरु जी कहते नरेंद्र उरिया, तो आंटी को सत्संग सुना। आज हम लोग एक बहम, जैसे गुरु जी हमको निकाल के, हम लोग बोलते हैं गुरु जी के आसन की तरफ पीठ करके नहीं बैठना, बाकी नहीं बैठना। तो मैंने भी वही था, मैं गुरु जी की तरफ चेहरा करके बैठा था कि गुरु जी सामने बैठे मैं नहीं। तो गुरु जी कहते ना ना मेरे बिच आगे बैठ, कमल आ गया नहीं बहम आज भी आ गया, इतने आगे बैठ। तो गुरु जी बैठे हैं, मैं बैठा हूँ और वो आंटी बैठे, तो आंटी को सत्संग सुना। अब ये तो मन में होता है कोई तो खास होगा आंटी, जो गुरु जी ने बिल्कुल चेयर उनकी अपने पास लगवाई है। तो ही शॉर्ट सत्संग सुनाई नरेंद्र, आंटी को सारे सत्संग सुना। तो तकरीबन मैंने आधा घंटा सत्संग सुनाया था, गुरु जी ने मुझे ये भी सत्संग सुना, ये भी सत्संग सुना। तो जो मैंने जो नहीं, कई बार दिमाग से निकल जाता है, गुरु जी ने वो भी सुना ना आंटी ने, आ वाला सत्संग भी सुना। तो मैंने वो आंटी को सुनाया, तो वह मिड में बोला, मैं क्या आंटी मेरे ना 4.5 साल 5 साल गुरु जी ने मेरा नाम भी नहीं पूछा, बट मेरे सारे काम किए हैं। तो वो हंसने लगी, कहती बस बेटा 4.5 साल, कहती आज 22 साल, 2 साल नहीं है 22 साल थे, कहते 22 साल बाद आने का मेरे को हुक्म हुआ है, 22 साल बाद आई हूँ। तो गुरु जी मुझे कहते नरेंद्र सुनो, उसी 4.5 साल रोई आने को, कहते इतने ये 22 साल बाद आने का हुक्म हुआ, कहते जब मैं चाहूँगा ना तभी मेरे पास आप आ सकते हो, यहाँ सालों का हिसाब नहीं, यहाँ कर्मों का हिसाब चलता है। कहते मैं ना चाहूँ तो मेरे पास पहुँच के दिखा दे तो मान जाऊँगा। तो ये तो एक हम सोच लेते हैं कि मैं पता नहीं कितना क्लोज हूँ, कितना क्यों, यहाँ पे कोई क्लोज नहीं, वो ही ऑलवेज से मैं एक दिन सत्संग मैं और वाइफ दोनों बैठे, कहते साढ़े कोई नेड़े नहीं, सब को कोई दूर नहीं, मैं सबके नज़दीक हूँ, मैं सबसे दूर हूँ, गुरु के लिए सब इक्वल होते हैं, यहाँ तो पलड़ा एक जैसा ही है, तो गुरु को पता किसके क्या कर्म किए, इस जन्म में कितने कर्म, तभी तो मैं तुम्हें लोगों को मिला हूँ, ऐसे ही नहीं मिल गया मैं तुम लोगों को दर्शन दिया। बहुत प्यारा एक्सप्लेनेशन, बहुत बेहतरीन वर्णन, और भावनाएं जो हैं बार बार तूफान का रूप लेती हैं, बैठती हैं, दिल नहीं करता कि इस सेशन को ख़त्म किया जाए, और कुछ त्रुटियां जो कि पढ़ने में हुई उसके लिए गुरुजी से और लिखने वाले से क्षमा। अब बोलने लायक तो आपने छोड़ा नहीं, वापस आप उस दौर में ले गए जो हम कहते हैं कि हमारे जीवन में, मतलब मरने के बाद क्या स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, वो वैकुंठ मिल लिया हमें जो उस समय, उसकी कंपैरिजन नहीं है, जो उनके फिजिकली उनके चरणों में एंजॉय किया है। उम्मीद है अगले लोक में भी शायद वो आनंद प्राप्त हो जाए, गुरुजी चाहेंगे तो सब मुमकिन है, सब कुछ संभव है। तो गुरुजी से प्रार्थना है सभी का उद्धार करें, सभी का कल्याण करें, नए पुराने का अंतर करने वाले हम भी कोई नहीं और नए वाली संगत भी कोई नहीं। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र ढंडंकर। जय गुरु जी। ओवर टू सुरेश वासन। जय गुरु जी महाराज, बहुत ही अच्छी अच्छी सत्संग आप दोनों से सुने हैं, नरेंद्र ढांड अंकल, आकाश सेठी अंकल जी, बहुत ही भाव वाले, आपने ठीक कहा मन नहीं भरता, सुनते रहें, लेकिन आप लोगों की समय की कमी है, नई संगत तो सुनने के लिए बैठी ही है। बहुत अच्छे क्रम प्रधान आपने सत्संग सुनाए, गुरु महाराज की तरफ से आप दोनों को आशीर्वाद, गुरु कृपा बने रहे और गुरु संगत के ऊपर कृपा बने रहे, हम सब महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी।